नागपुर के त्रिमूर्ति नगर स्थित सहयोग अपार्टमेंट में आधी रात को अचानक लगी आग में एक कार और चार दोपहिया वाहनों में आग लग गई। रात करीब 3 बजे अपार्टमेंट से अचानक धुआं निकलने से हड़कंप मच गया। धुआं कहां से आ रहा था ये देखने पर पता चला कि दो बाइक और एक कार में अंदर पार्किंग स्थल में अचानक आग लग गई। पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन तब तक काफी समय बीत चुका था और कार व चार पहिया वाहन जलकर खाक हो गए। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। ये भी कहा गया है कि विशाल मेश्राम की दोपहिया समेत चार दोपहिया और एक कार और एक अन्य को जला दिया गया है। सुधीर वासे ने अचानक लगी आग के पीछे हादसा होने की आशंका जताते हुए कहा कि वो राणा प्रताप नगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे। इसके पीछे कौन है इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने गहन जांच की मांग की है। मैं रामदास सीताराम खंडा थे, मैं सहयोग सोसाइटी का सेक्रेटरी है। कल रात्रि अंदाजे 2:45 दरमियान अंदाजे तर वासे साहेब फ्लॅट नंबर 511 मध्ये त्यांच्या गाडीला रात्रीला अचानक आग लागलेली आहे। नंतर आग कळताच आम्हाला तर आम्ही जसा खाली आलो तर त्याच्यामध्ये आणखी 3 मोटरसायकल आणि 1 स्कूटी असे 4 वाहनेचे म्हणजे नुकसान झालेलं आहे। त्यानंतर दोन कारला त्याचा फटका बसलेला आहे, पण वेळेवर अग्निशमन दलाच्या आल्यामुळे ते आग आटोक्यात आणली आहे। माझी एक कार आणि 2 मोपेड आहेत, त्या जळालेल्या आहेत। तसेच माझे 2 रहिवासी आहेत, त्यांची मोटरसायकल जळालेले आहे। रात्री 3 वाजताची घटना आहे। जेव्हा आम्ही सकाळी म्हणजे रात्री बोमाबोम झाली तेव्हा आम्ही खाली आलो आणि तिथं जळलेल्या अवस्थेत दिसले फायर ब्रिगेड आणि पोलिसांची, त्यावेळेस दखल घेतली म्हणून ते बरं झालं, नाही तर टँक वगैरे फुटली असती तर कदाचित मोठा हादसा होऊ शकला असता। NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।